हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी। मैं SKGT में पढ़ाता हूँ। SKGT इज एन आइडल प्लेस टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। SKGT में 11th, 12th कॉमर्स, FY BCOM, SY BCOM, DY BCOM, MCOM 1, MCOM 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा SKGT में। स्टैंडर्ड 5th, चैप्टर 16, प्रिपरेशन फॉर एलजेब्रा। प्रॉब्लम सेट 55, महाराष्ट्र, बोर्ड। आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होता क्या है देखते हैं। द वैल्यू 7+5 एंड 7×5 दोनों अलग अलग आंसर है 12 और 35। ठीक है, इट मींस इसका मतलब क्या होता है कि ये नॉट इक्वल है, बराबर ना, इक्वल नहीं है। तो हमको नॉट इक्वल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सिंबॉलिकली हम लोग देखते हैं। ठीक है, शो दैट द 7+5 एंड 7×5 आर नॉट इक्वल। वी राइट 7+5 नॉट इक्वल इक्वल्स टू इन शॉर्ट। ओके, तो दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड एन इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का एग्जांपल सम है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है, अगर जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आगे के जो चैप्टर है, मतलब अभी तो ये एग्जांपल्स है चैप्टर के 55 के, तो वैसे ही मैं इसकी भी सॉल्व करके दूंगा आपको। फटाफट आप मुझे कमेंट करिए। अभी क्या लिखा है इधर, फिलिंग द बॉक्सेस बिटवीन द एक्सप्रेशन विद द रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। 1, 9+8 क्या आएगा इधर, 30/2। इधर सिंबल क्या डालना है, इक्वल डालना है, क्या डालना है वो देखते हैं। इधर 17 आ रहा है, इधर 15 आ रहा है, तो क्या आएगा, 17 इज ग्रेटर देन 15, देयरफॉर 9+8 इज ग्रेटर देन 30/2। अभी वैसे ही सेम सेकंड, 16×3 कितना आएगा, 48, 14×12, 48, तो दोनों मिलाकर कितना आ रहा है 48। तो क्या है एक्चुअल में, 48 is equal to 48, तो देयरफॉर ये लाइन लिखना ना बोलिए, देयरफॉर 16×3 = 4×12, 3rd expression। अभी क्या दिया expression में, 16 - 5 अगर 2×7, तो 16 - 5 = 11 और 2×7 = 14, तो इधर वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 11 < 14, ये लाइन लिखना ना बोलिए, देयरफॉर 16 - 5 = 2×7। अभी ये जो टॉपिक है, जैसे अभी इसमें सिंबल दिया था, इसमें पहचानना था अभी जो हम लोग ने टॉपिक किया है, और अभी का जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग को सिंबल दिया हुआ है और नंबर फाइंड आउट करना है, तो जिससे हम लोग को और आसानी से और सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, राइट द नंबर इन द बॉक्सेस दैट विल बी मेक द स्टेटमेंट। चलिए अभी हम लोग ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट 7×2 और इधर डैश में कितना आएगा, 6 - 6, तो अभी देखिए हमें 7 2 में 14 है, बराबर ना, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है 14, तो हमें आंसर इक्वल लिखा है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिससे आंसर हमारा माइनस करे 6 से, तो क्या आएगा 20 - 6 = 14, बराबर ना, हमें सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 20 - 6 क्या आएगा आंसर मेरा 14, तो यही हम लोग लिखेंगे। देयरफॉर ये लाइन लिखना ना बोलिए, 7×2 = 20 - 6। अभी सेकेंड एक्सप्रेशन देखते क्या, 20/3 < 5+ जो है वो नंबर, तो हमें ढूंढना है, तो क्या आएगा इधर आंसर 8, तो हमें ग्रेटर देन चाहिए, तो देखिए अगर 5+1 करते हैं तो 6 आता है, 5+2 करते हैं तो 7 आता है, 5+3 = 8 करते हैं, तो मैं क्या करूंगा 5+4 लूंगा, तो ही मेरा आंसर राइट आएगा। तो क्या आएगा 24/3, तो वही लिखा है, देखो ग्रेटर देन 3 लेना पड़ेगा, तो 4, 5, 6 जो भी तुमको अच्छा नंबर लगे वो ले लीजिए,
तो इट मीन्स दैट द प्रॉब्लम हैज बीन सेवरल आंसर, क्या आएगा देयरफॉर ग्रेटर देन 5 प्लस 4 इज अमंग मेनी आंसर्स। ठीक है, आप कौन से भी आंसर बना सकते हो, पर आप जो सिंपल है वही लीजिए। तो देयरफॉर राइटिंग वी ओनली द वन आंसर इन, ठीक है, हम लोग एक ही आंसर लिखेंगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू। Subscribe the button, press the bell icon, like, comment, share. Subscribe the button, press the bell icon, like, comment, share.